हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूशियल P3 प्लस SSD के बारे में। अब चाहे आप रिसेंटली PC बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो या अगर आपने अपनी स्टोरेज अपग्रेड करने की सोची होगी ना, तो मैं 100% गारंटी से बोल सकता हूं कि आपने क्रूशियल P3 प्लस को जरूर देखा होगा, क्योंकि करंटली अगर आप एक जेन 4 या इवन SSD लेने जाते हो ना वेंडर अवॉइड की, तो ये वन ऑफ द चीपेस्ट, इवन सबसे चीपेस्ट SSD यही है। इवन अगर आप इसकी प्राइसिंग सेटा SSD से भी कंपेयर करते हो तो ये केवल 100 रुपए महंगी पड़ती है। इसको अगर आप Amazon से लोगे तो आपको 5300 रुपीज की पड़ेगी। थोड़ा बहुत पैसा सेव करना चाहते हो MD कंप्यूटर से ले लो तो 5200 रुपीज की पड़ जाएगी। अब 5200 रुपीज में एक जेन 4 SSD मिल रही है, वो भी वेंडरबाइट, तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आइए आज इस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसे कंपेयर करेंगे कुछ दूसरी जेन 4 SSD से, ताकि आपको बताया जा सके कि कहां पर कॉम्प्रोमाइज है और क्या क्या चीजें आपको अपने माइंड में रखनी जरूरी है। अब यहां पर ना मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक बात बताता हूं। आप में से जो लोग नॉर्मल यूजर्स हैं, यानी कि इस SSD को सिर्फ इस वजह से खरीद रहे हैं कि आप इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे या इसे गेम ड्राइव बनाओगे, इससे ज्यादा आपका यूज नहीं है, तो आप आंख बंद करो, इस SSD को परचेस कर लो, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और ये वन ऑफ द बेस्ट SSD है इस प्राइस रेंज में रहते हुए, और आप यही वीडियो देखना बंद कर दो, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। वही आप में जो लोग थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहली चीज तो ये कि एक जेन 4 SSD और जेन 4 SSD में ना बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल, रीड और राइट स्पीड क्या है, इसमें कौन सी जो है आपको NAND फ्लैश स्टोरेज देखने को मिल रही है, इसका TBW कितना है, और भी बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आए ये SSD कहां लाई करती है। इस वजह से हम लोगों ने यहां पर दो और SSD ली है। पहला यहां पर WD-SM770 जो कि बजट सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर SSD है, और एक और SSD लिए, वो आती है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग की 990 प्रो जो कि जेन 4 SSD का ना टॉप मॉडल है कंज्यूमर ग्रेड में, अगर आप आज की डेट पे लेने जाते हो तो। अब सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए मैटर करती है वो होती है इसकी स्पीड। अगर आप यहाँ पर क्रूशियल P3 प्लस की रीड एंड राइट स्पीड देखते हो ना, तो वो काफी अच्छी निकल कर आती है, स्पेशली अगर आप उसे WD-SM770 से कंपेयर करते हो तो वो तो भाई नेक टू नेक बैठता है, इवन राइट स्पीड थोड़ी ज्यादा ही निकल कर आती है। लेकिन सैमसंग से अगर आप कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली सैमसंग में आप ऑलमोस्ट डबल प्राइस भी पे कर रहे हो, तो यहाँ पर उसके मुकाबले भी आपको ठीक ठाक स्पीड मिल जाती है। भले ही ऑन पेपर आपको डिफरेंस जो है ये काफी ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन अगर आप डेटा वगैरह कॉपी करते हो या बहुत नॉर्मल यूसेज में तीनों ही SSD को यूज करते हो ना साइड बाय साइड, आप लिटरली कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकते। रीड और राइट स्पीड के मामले में ये तीनों ही SSDs काफी अच्छी हैं। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं NAND फ्लैश स्टोरेज के बारे में, जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पर WD-770 या सैमसंग को अगर आप देखते हो, तो वहां पर TLC टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो कि थोड़ी सी रिलायबल भी होती है और स्पीड भी आपको ठीक ठाक प्रोवाइड करती है। वही अगर आप क्रूशियल P3 प्लस को देखते हो तो वहां पर आपको QLC टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि बजट सेगमेंट के SSDs में यूज काफी ज्यादा होती है, थोड़ी सी अनरिलायबल होती है, लेकिन नॉर्मल यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए मोर देन इनफ है। क्रूशियल P3 प्लस को अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पर आपको DRAM देखने को नहीं मिलती, यानी कि ये एक DRAM-less SSD है। सिमिलरली यहाँ पर आपको WD की SM70 भी जो SSD है ना, ये भी DRAM-less SSD है, यानी कि इन दोनों ही SSDs में आपको HBM देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली DRAM की तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन सिस्टम की RAM को ही एक क्या बोलते हैं कैशिंग के लिए यूज करता है। लेकिन अगर आप सैमसंग की 990 प्रो को देखते हो तो वहां पर आपको DRAM देखने को मिल जाती है 1GB की। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50GB का डेटा क्रूशियल P3 प्लस में इंस्टॉल करते हो और सिमिलर रीड एंड राइट स्पीड की एक ऐसी SSD लेते हो जहां पर DRAM भी है, उस पर सिमिलर गेम इंस्टॉल करते हो ना 50GB का, तो आपको जो इंस्टॉलेशन टाइम है वो हो सकता हो DRAM वाली SSD में 1 मिनट कम देखने को मिले। ये वर्क सिनेरियो मैंने आपको केवल इसीलिए बताया कि DRAM केवल जो है बहुत जो हाई एंड यूजर्स हैं आज की डेट पे, सिर्फ उन्हीं के लिए मैटर करती है, आप और हम जैसे नॉर्मल यूजर्स के लिए DRAM उतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि रीड और राइट स्पीड इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है कि हमें DRAM की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती जितना की पहले पड़ती थी। तो यहाँ पर फिर से एक बार सवाल उठता है कि DRAM भी इतना मैटर नहीं करती, तो क्रूशियल P3 में कॉम्प्रोमाइज कहाँ पर हुआ है? क्रूशियल P3 में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है ना, वो हुआ है TBW में। TBW क्या होता है? TBW होता है टोटल बाइट रिटर्न, यानी कि कितना डेटा आपके SSD
से आप जो है डिलीट कर सकते हो, फिर राइट कर सकते हो, फिर डिलीट करो, फिर राइट करो, कितनी बार कर सकते हो। क्रूशियल P3 प्लस में पता है ये रेटिंग कितनी जाती है? केवल जाती है 220 टेराबाइट, यानी कि 1 टेराबाइट के SSD में आप 220 टेराबाइट ऑफ डेटा राइट कर सकते हो। जैसे कि आपने 1 TB राइट करा, फिर डिलीट करा, फिर राइट करा, फिर डिलीट करा, 220 टेराबाइट में एक बहुत बड़ा डेटा होता है। लेकिन स्टिल अगर आप 10-15 साल SSD यूज करने वाले हो ना, और बहुत हैवीली यूज करने वाले हो, तो 220 बाइट ना कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, बहुत छोटा ही नंबर है। वही अगर आप WD770 और Samsung 990 Pro को देखते हो ना, उनका TBW बहुत ज्यादा है, इस SSD से ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा है। यानी कि वहां पर आपको 1200 टेराबाइट का TBW देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इससे 5 गुना ज्यादा डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो, उसके बाद भी SSD चलेगी। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं ये सोच रहे हो, क्या मतलब 220 टेराबाइट आप डेटा रीड एंड राइट कर दोगे और SSD खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होता, SSD उसके बाद भी चलेगी, लेकिन उसके बाद ना आपको हो सकता हो कुछ एरर्स देखने को मिले, हो सकता हो स्पीड स्लो हो जाए, हो सकता है आपका डेटा करप्ट हो जाए, ऐसा संकेत देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है। नाउ अब यहाँ पर आपको आइडिया हो गया होगा कि क्रूशियल P3 प्लस में कॉस्ट कटिंग क्यों करी गई है और किस वजह से देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर ना एक सवाल भी उठता है, क्या आपको क्रूशियल P3 प्लस को खरीदना चाहिए और किन लोगों को खरीदना चाहिए? देखो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करके WD7 SN770 को खरीद सकते हो ना, तो भाई दैट्स एन ऑसम डील। वो थोड़ी ज्यादा रिलायबल है और TBW ना उसमें बहुत हाई देखने को मिलता है। क्रूशियल P3 प्लस मैं उन्हीं लोग को रिकमेंड करना चाहता हूँ जो लोग बहुत ज्यादा बजट में है, और मतलब ठीक है आपने 7-8 साल यूज करोगे, उसे बेच दोगे, उसे हटा दोगे, फिर नया हार्डवेयर एक्सपीरियंस करना चाहोगे, नए हार्डवेयर पे अपग्रेड कर जाओगे, तो भाई ठीक है आप क्रूशियल P3 के साथ जा सकते हो। क्रूशियल P3 कोई बेकार SSD नहीं है, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगी, आराम से चलेगी, 8-10 साल आप आराम से यूज करो, और अगर आप लाइट यूजर हो तो आप और भी आगे तक यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगी, लेकिन ठीक है जो लोग बहुत बजट में है जा सकते हैं, लेकिन हाईली रिकमेंडेड वही है कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करके थोड़ा सिक्योर हो जाओ। नाउ आई होप आपके माइंड में ना ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि आपको क्रूशियल P3 प्लस को खरीदना चाहिए, या अगर क्रूशियल P3 प्लस नहीं खरीदे तो कौन सी SSD खरीदे, इनके साथ अगर आप कोई सी भी SSD खरीदना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक देखने को मिल जाएगा, जाकर चेक भी कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।